हेलो दोस्तों, राजवंत सिंह मोहाली। जिस सीरी पर हम काम कर रहे हैं, टीचर्स और स्टूडेंट्स या पेरेंट्स और बच्चे, उनकी सीरी पे ये हमारी 7th वीडियो है। तो 7th वीडियो में मैंने ये बताने की कोशिश की है कि यदि आप बच्चों की इच्छा को जरूरत में बदलोगे तो 100% आपको कामयाबी मिलेगी। क्योंकि इच्छा पर काम करना, बहुत देर के लिए काम करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब आपकी कोई चीज़ जरूरत बन जाती है तो आप किसी भी तरीके से उसके ऊपर काम करते हो। हम कितना टाइट रहते हैं पैसे के, फाइनेंशियल उसको लेके स्ट्रेस रहता है, हमें पैसे नहीं होते, फिर भी हमें बिजली का बिल तारना होता है। क्यों? बिजली हमारी ज़रूरत है। हमें मोबाइल फ़ोन का रिचार्ज करना पड़ता है। क्यों? मोबाइल फ़ोन हमारी ज़रूरत बन गई है। किसी भी टॉपिक को, कोई भी समस्या या कोई भी उसका सल्यूशन, यदि आप उसको अच्छे तरीके समझ कर किसी भी चीज़ को आप बच्चों की ज़रूरत में तब्दील करने में कामयाब हो जाते हो, तो ये समझो आप विन विन सिचुएशन में, आपका बच्चा भी विन विन सिचुएशन में। जो इच्छा है वो बादशाह की भी पूरी नहीं होती, और जो ज़रूरत है वो फ़कीर की पूरी होती है। यदि आप अपने बच्चों को ये कहो कि ये मोटरसाइकिल है, ये बाइक है, ये इच्छा के मुताबिक आप ले सकते हो, तो शायद वो नहीं ले पाएगा। जिस दिन उसकी ज़रूरत बन गई तो उसी दिन, चाहे वो बैंक से लोन लेके ले, हम लेते हैं जैसे कार हमारी ज़रूरत है, कार के लिए हम लोग ब्याज भी भरते हैं। तो ये सिंपल फार्मूला यही है कि यदि आप बच्चों की इच्छा को ज़रूरत में बदल सको तो आपका रिज़ल्ट बेटर होना ही होना है। मैंने पहले भी बताया कि दो स्टूडेंट मेरे पास, शेर सिंह और रतिपाल, दो स्टूडेंट ऐसे थे जिनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी, लेकिन मैंने आप एफर्ट के साथ, मैंने अपने टैक्ट के साथ उनको ये रियलाइज़ कराया कि इंग्लिश ना पढ़ना या इंग्लिश की तरफ बढ़ना तुम्हारी मजबूरी नहीं, तुम्हारी ज़रूरत है। यदि तुम्हारी ज़रूरत है तो फिर आपको इस पर काम करना पड़ेगा। और वो दोनों लड़के बहुत अच्छे तरीके से कामयाब हो गए, सरकारी नौकरी उन्होंने ज्वाइन की। सो मैं यही आपको कहना चाहता हूँ कि आप रियलाइज़ करा दो कि बच्चे ये काम करना तुम्हारी इच्छा नहीं, ये तुम्हारी ज़रूरत है। जिस दिन आप ये करने में कामयाब हो गए तो आपको रिज़ल्ट लाने में कोई भी नहीं रोक सकता। सो दोस्तों, ये टॉपिक यहीं पर, अगली टॉपिक लेके फिर मैं हाजिर हो रहा हूँ। तब तक आप अपना ध्यान रखो, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। तब पढ़ेंगे हम, बढ़ेंगे हम। जब पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। थैंक यू वेरी मच।